बंटी और बबली फिल्म का नाम आते ही जहन में दो ऐसे किरदार आते हैं जो अच्छे अच्छे को चूना लगाकर वारदातों को अंजाम देते थे। वो तो फिल्म के पर्दे पर एक कहानी में किरदार निभा रहे फिल्मी कलाकार थे, लेकिन आज के समय में असल जिंदगी में कुछ शातिर दिमाग लोग बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में लगे हैं, जिन्हें सुनकर ही दिमाग की घंटियां बजने लगती हैं। ताजा मामला मुरादाबाद में सामने आया है। आज मैनेटर पुलिस ने एक खुलासा करते हुए प्रीति नाम की युवती और तथा कथित पति गौरव को मीडिया के सामने पेश किया। मुंह पर कपड़ा लपेटे और मॉडर्न सी दिखने वाली आरोपी प्रीति ने तो मीडिया को कुछ नहीं बताया, लेकिन एसपी देहात उदय शंकर सिंह के अनुसार प्रीति एक ऐसे गैंग की सदस्य है जो ऐसे भोले भाले परिवारों को अपना शिकार बना चुकी है। जो परिवार अपने बेटों की शादी जल्दी करने को आतुर थे और इस शातिर दिमाग युवती का साथ देता था इसका पति गौरव। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ इन लोगों से जानकारी मिली है कि इनके गैंग में और भी कई महिलाएं और पुरुष जुड़े हुए हैं। करवाई गई थी यही आपको जानकारी थी आपकी पत्नी थी आपको जानकारी ये इनके रिश्तेदारों की जानकारी हाँ। तुम्हें कैसे पता चला इनके रिश्तेदारों ने बुलाया था ना तो क्या कहा उन्होंने उनके पैसे हो रहे थे ऊपर तो इस चक्कर में उन्होंने ये करवाया तुम्हें पहले से पता नहीं था कि चार हो चुकी है पहले भी नहीं पता चला मुझे अब पता चला तो तुम लेने नहीं गए थे इसे बाइक पे जी मेरे तो तुम्हें पता नहीं था कि होंगे ये इस बार पता ही था मुझे अगली बार पीटा का तो मुझे कोई पता ही नहीं था इस बार पता इस बात होने सर क्या बात हुई थी क्या प्लान बनाया गया था यही तो रिश्तेदारों ने बनाया था प्लान बस क्या प्लान था खाली यही प्लान था शादी का तुम्हें बताया गया था जी कितना आप पैसों में बताइए ऐसे इनके रिश्तेदारों ने लिए थे मेरे सामने कुछ नहीं दिए तुम क्यों माने नहीं दिए तुम क्यों अगर से कोई बात ही नहीं कोई पैसा ही नहीं मिला पैसे थे मैं ब्याह चढ़ा था तो वो कितने पैसे थे तुम्हारे 15,000 रुपए में तुम तैयार होगी कि बीवी की शादी करो तुमने अपना को भाई बताया था उसे बता रहे जब लड़का देखने आया था उसको क्या बताया था कि आप लड़की लड़के से तो मेरी बात ही नहीं वो बाद में सारी बातें खुली हैं जी क्या बताया अलग अलग करा था इनके घर वालों ने बीवी की मतलब शादी करवा रहा नहीं जी मुझे तो कोई बात नहीं जब बात के पैसे चक्कर में जब मैं लेने होंगे जब बताइए जब मैं ले आया हूँ थाना क्षेत्र में एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है थाना मैनाठेर क्षेत्र में योगेश नामक एक व्यक्ति के साथ शादी हुई और शादी के समय दुल्हन घर पे आई दूसरे दिन उस दुल्हन का तथाकथित एक रिश्तेदार बनके एक व्यक्ति आया और मोटरसाइकिल पर किसी के बीमारी के बहाने से उसको लेकर उसके मायके के लिए चल दिया दूल्हे को पता ही नहीं लगा दुल्हन ने रात में ही उसके घर से काफी सामान को समेट लिया और दोनों उसके सामान को लेकर फरार हो गए इस पर पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और गहराई से जब तहकीकात की गई तो ये जानकारी में आया कि उक्त दुल्हन के द्वारा कई लोगों के साथ इसी प्रकार की शादियां पूर्व में की गई हैं और उनके साथ कुछ समय गुजार कर वहां से उनके सामान को लेकर या किसी ने किसी अन्य बहाने से वहां से ये चंपत हो जाती रही हैं। सर पुलिस गिरोह में कितने लोग हैं किस तरह से अभी इस गिरोह में कुछ लोगों के नाम और आ रहे हैं चूंकि हमारी छानबीन जारी है इसलिए उनके नाम बताना भी इस स्तर पर उचित नहीं होगा अभी छानबीन की कार्यवाही और उनके गिरफ्तारी के प्रयास अभी जारी हैं तो इसमें उसके बाद ही कुछ प्रमाणिक रूप से कहना उचित होगा अच्छा इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए किस तरह की तैयारी करते थे और किस तरीके से महिलाएं भी कुछ शामिल हैं और कुछ पुरुष भी हैं तो ये लोग ऑर्गेनाइज्ड वे से पहले क्लाइंट को देखते हैं कि कहाँ पे कौन शादी के लिए अति आतुर है और उसको बातचीत करके पहले सहमत करते हैं फिर लड़की को दिखाकर बात करते हैं तदुपरांत शादी उनकी करवाई जाती है अभी तक कुल कितने ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जहां उस तरह से ठगी की गई है अभी तक चार मामले ऐसे आए हैं जिसमें शादी की जा चुकी है कुछ मामले ऐसे आए हैं जिसमें शादी तय हो चुकी थी तय होने के बाद कुछ पैसे ले लिए गए और उसके बाद शादी निरस्त कर दी गई और कुछ मामले ऐसे हैं जो अभी अंडर प्रोसेस चल रहे हैं इसीलिए इसमें मैं
अभी उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा इस स्तर पर, विवेचना के उपरांत तो फिर इसमें जो आगे साक्ष्य आएंगे उस बारे में विस्तृत वार्ता आप लोगों से फिर बाद में की जाएगी। सर जो लुटेरी फिल्म बनाई जा रही है उसका बैकग्राउंड एमबी बैकग्राउंड क्या है, तो उसकी शादीशुदा है, उसका पति उसके साथ में है, पूरे के लिए अभी जो तथाकथित एक पति है उसका, वो इस खेल में सम्मिलित था और पति के द्वारा ही उसको भगाकर शादी के दूसरे दिन सुबह ले आया गया मोटरसाइकिल पर बैठा कर, यह कहकर कि उसके मायके में कोई गंभीर रूप से बीमार है। क्या फैमिली बैकग्राउंड है, पढ़ी लिखी महिला है? ये फैमिली बैकग्राउंड ये है मूल रूप से देहरादून की रहने वाली है महिला, और ये दिल्ली में भी रह चुकी है, उसके बाद मुरादाबाद में भी रह रही है, रामपुर में भी रह चुकी है, और भी गहराई से छानबीन अभी जारी है। नहीं, उसमें रामपुर, मुरादाबाद और गजरौला, अमरोहा में, और इसके अतिरिक्त दिल्ली के भी एकाक मामले हैं जिसके बारे में अभी प्रमाणिक रूप से छानबीन जारी है। ठीक, थैंक यू सर। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।